अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इम्तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो आ रही है सुप्रीम कमेटी की तरफ से। तो कतर के जो सुप्रीम कमेटी है डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स, जिसे SCB कहा जाता है, उनके तरफ से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया था साइकिलिंग का। यानी दोस्तों 120 किलोमीटर दोस्तों साइकिलिंग करना है। ये 28 अक्टूबर 2022 से ये शुरू हुआ था। तो दोस्तों साइकिलिंग करना है, जितने भी स्टेडियम है वो सभी स्टेडियम को कवर करते हुए। साथियों, इसमें ये बताया गया कि अलबैत स्टेडियम से ये शुरुआत होगा और ये खत्म होगा स्टेडियम 974। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने इस साइकिलिंग कर रहे हैं। तो अभी भी फिलहाल दोस्तों ये जारी है। इसमें विनर का भी अनाउंसमेंट वहां पे किया जाएगा, कुछ प्राइजे वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अगली जो खबर है दोस्तों वो कारवा बस की तरफ से आ रही। तो साथियों, मौसलात के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही बड़ी ये कंपनी है। उनके तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लगभग 2385 बसों का इंतजाम किया गया है, जिनमें से 741 इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी दोस्तों मान के चल सकते हैं कि 3000 से भी ज्यादा बसों को इंतजाम कंपनी के तरफ से की गई है। इसमें यह बताया गया कि हर दिन 50,000 पैसेंजर को वहां पे सफर कराया जाएगा, यानी अप एंड डाउन एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाया जाएगा, जिनमें से बताया गया कि 80 रूट से भी ज्यादा हर जगह वहां पे लोग ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये साथियों अनाउंसमेंट किया गया कारवा बस, जिसे मौसलात भी कहा जाता है, उनकी कंपनी के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। अगली जो खबर है साथियों वो करीम के तरफ से आ रही। तो साथियों, करीम जो कंपनी है, टैक्सी कंपनी, आप लोगों को पता होगा बहुत ही बड़ी कंपनी है। कतर में यदि आप रहते होंगे तो इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो पहले तो साथियों कंपनी जो थी ये सिर्फ अपने कंट्री में ही ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती थी, पर ये कंपनी अब टैक्सी जो है वो अब सऊदी अरेबिया टू दोहा, दोहा अरब टू सऊदी अरेबिया भी वो ट्रैवलिंग का काम करेगी। उनके तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया कि लगभग 1000 से भी ज्यादा बसों को बढ़ाया गया, सॉरी टैक्सियों को बढ़ाया गया है, ताकि वहां पे आए गए पैसेंजरों को किसी तरह का कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे देखने वहां पे मैच देखने आएंगे, जिनके पास हैया कार्ड होगा वो दूसरे कंट्री घूमना चाहेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह, तो वो कंट्री भी घूम पाएंगे, वो भी डायरेक्ट दोस्तों टैक्सी से, यानी टैक्सी से वो आना जाना कर पाएंगे। अगली जो अपडेट साथियों, वीडियो की स्क्रीन पे एक फोटो में आपको शो कर रहा हूं दोस्तों, ये नडरा कार्ड है। जो भी पाकिस्तानी भाई वर्कर हैं जो वहां पे काम करते हैं, नडरा कार्ड को लेकर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ था आप लोगों को, तो आपने एम्बेसी में जाके सबमिट किया होगा। तो जिन लोगों को ट्रैकिंग आईडी जो दी गई थी, वो ट्रैकिंग आईडी को पब्लिश कर दिया गया एम्बेसी की तरफ से। तो जो भी आप लोगों को, जिन लोगों ने आपने दिया था तो मिला लीजिए, यदि आपका इसमें कोई भी मिल जाता है तो आप एम्बेसी के जो खुलने की टाइमिंग है वो टाइमिंग में आप चले जाइए और अपने नडरा कार्ड को आप हासिल वहां से जाके कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे 115 लोगों की ट्रैकिंग आईडी को वहां पे दिया गया है। तो 115 लोगों में से देख लीजिए आपका जो भी इसमें होता है तो आप जा सकते हैं और अपनी आईडी को रिसीव कर सकते हैं। अगली जो अपडेट है साथियों वो साथियों आ रही है कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। तो साथियों, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही भारी मात्रा में लरिका पिल्स को जब्त किया गया है। वीडियो के स्क्रीन पे फोटो भी देख सकते हैं साथियों, एक तरह का ये कैप्सूल होता है, ये एक दोस्तों कॉस्मेटिक में छिपा के लाया जा रहा था। यानी दोस्तों जो श्रृंगार का जो सामान होता है उसमें किसी शायद महिला के द्वारा लाया जा रहा होगा। तो फिलहाल सभी को जब्त कर लिया गया है, जो भी इसमें शामिल थी सभी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर उन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वीडियो के स्क्रीन पर, साथियों मैं आपको फोटो शो कर रहा हूं, ये है फीफा वर्ल्ड कप का सभी मैचों का ये लिस्ट है। तो आप देख लीजिए, यदि आप देखना चाहते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी मैच होने वाले हैं 8 स्टेडियम में, जितने भी वहां पे स्टेडियम वगैरह बनाए गए, तो फीफा वर्ल्ड कप का एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट मैच, फाइनल मैच तक सभी का लिस्ट दिया हुआ है। कौन से मैच कौन से स्टेडियम में होगा, कितने बजे होगा, कौन से टीम से होगा, सारा कुछ इसमें डिटेल वगैरह जो है वो दिया हुआ है। अगली जो अपडेट साथियों वीडियो के स्क्रीन पे एक फोटो में आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक ये दोस्तों नासा के तरफ से सूरज का, यानी सूर्य का फोटो है, और उनके तरफ से ये लिया गया है कि ये स्माइली फोटो जो है वो अर्थ के लिए खतरा साबित हो सकता है। यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सन वॉज स्माइलिंग इन द नासा फोटो माइट बी वार्निंग फॉर अर्थ, यानी ये अर्थ के लिए खतरे की बात है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। कोई भी मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।